सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग निपुण लक्ष्य ऐप द्वारा विद्यार्थियों का आकलन कैसे करते हैं उसी के बारे में ये चर्चा करेंगे साथियों। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ये साथियों निपुण लक्ष्य ऐप का ऐप है। ये देखिए, जैसे हम लॉगिन करेंगे, पिन डाल देंगे साथियों, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए, पहला लिखा है निपुण अभ्यास, दूसरा लिखा है सूची अभ्यास। अब ये देख लीजिए सूचना नोट में क्या लिखा है। यदि आप विद्यार्थी का आकलन निपुण लक्ष्य पर करना चाहते हैं तो निपुण अभ्यास चुनें। दूसरा है, यदि आप विद्यार्थी का आकलन साप्ताहिक संदर्शिका आधारित, जो हम लोग को मिला है शिक्षक संदर्शिका के आधार पर करना चाहते हैं तो सूची अभ्यास चुनें। तो साथियों, हम पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे, निपुण अभ्यास। तो चलिए, अब हम निपुण अभ्यास पे साथियों टच करते हैं। जैसे ही निपुण अभ्यास पर टच करेंगे साथियों, आप देखिए आ जाएगा आकलन के लिए कक्षा चुनें, किस कक्षा का आकलन आप पहले करना चाहते हैं, क्योंकि हमें बारी बारी तीनों कक्षा का आकलन करना है और निपुण लक्ष्य में कक्षा 1 से 3 तक का ही बात किया गया है साथियों। तो चलिए, अब हम कक्षा 1 का आकलन करते हैं। जैसे कक्षा 1 पे हम क्लिक करेंगे, देखिए साथियों ये ब्लू कलर का हो जाएगा और नीचे नेक्स्ट ब्लू कलर का नेक्स्ट है, इसको साथियों हम टच करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो अगले पेज पे हम चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है कक्षा 1 में क्या क्या है निपुण लक्ष्य। ये तो आपको पता ही है, 5 सरल शब्दों, 2 अक्षर से बने वाक्य पढ़ लेते हैं, 1 अंक की जोड़ घटाव के 75% पर सही हल कर लेते हैं। तो चलिए साथियों, हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए आकलन प्रश्न पत्र डाउनलोड हो रहा है। अब देखिए लिखा है, अभी बच्चों को आप पढ़ाएंगे, अब बच्चा सही पढ़ता है तो उस पर सही करेंगे, कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पे करेंगे, पूरा वाक्य सही पढ़ा तो उस पर कर देंगे। देखिए, राधा घर की ओर चली, अगर ये सही है साथियों तो आप लिख देंगे पूरा वाक्य सही पढ़ा। फिर लिखा है, काले बादल जोर से बरसे, अगर बच्चा सही से पढ़ लेता है, कुछ नहीं पढ़ा, पूरा वाक्य गलत पढ़ा या पूरा वाक्य सही पढ़ा, आप उसके अनुसार कर देंगे, मैं सही कर देता हूँ साथियों। फिर देखिए लिखा है, सीता ने खूब जामुन खाए, अगर बच्चा सही पढ़ लेता है तो सही पे करेंगे, कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, बच्चे ने पूरा वाक्य गलत पढ़ा तो साथियों इस पर हम कर देंगे। फिर है, रामू की बकरी चुरा ली, अब अगर बच्चा सही पढ़ लेता है तो सही करेंगे, गलत पढ़ा है तो गलत, कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं। चलिए, बच्चा ने सही पढ़ा है, अब हम आगे चलते हैं साथियों। देखिए साथियों, मैथ का आ गया, बच्चा 3 + 4 अगर सही जोड़ लेता है, सही उत्तर 7 दे देता है तो सही उत्तर कर देंगे। 2 + 5 ये भी 7 की सही दे दे रहा है तो सही कर देंगे साथियों। अब देखिए, 7 + 1 अगर 8 उत्तर सही दे दे रहा है तो सही पे कर देंगे, गलत दिया तो गलत करेंगे, कोई उत्तर नहीं दिया तो कोई उत्तर पर नहीं करेंगे। चलिए साथियों, सही कर देते हैं। फिर देखिए लिखा है, 6 + 3 अगर बच्चा 9 बता देता है सही है, गलत उत्तर देता है तो गलत कर देंगे साथी इसको। अब देखिए यहाँ पे आ गया माइनस, 9 - 4 अगर बच्चा 5 बता देता है तो अच्छी बात है, 6 - 2 अगर बच्चा सही उत्तर बता देता है तो सही पे कर देंगे। फिर दिया है 7 - 6 अगर बच्चा सही बताता है तो सही कर देंगे साथियों। फिर लिखा है 5 - 2 अगर बच्चा कोई उत्तर नहीं दिया तो कोई उत्तर नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे साथियों, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे दे दिया है, बधाई हो, आपके विद्यार्थी ने कक्षा 1 के गणित एवं भाषा के निपुण लक्ष्य को हासिल कर लिया है। देखिए साथियों, यहाँ पर लिख दिया है बधाई हो, कंग्रेचुलेशन साथियों। अगर आप
अगले बच्चे का करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो यही से आप सबमिट कर दीजिए रिजल्ट को। अगर ऐसे आपके क्लास में 10, 5, 8 जो भी बच्चे हैं तो बारी बारी आप सबका कर लेंगे अगला विद्यार्थी का अभ्यास, फिर इस पर ट्रिक करेंगे तो वैसे ही प्रश्न आएगा, फिर जब निपुण हो जाएगा ऐसे ही अगले विद्यार्थी का अभ्यास करते करते आप सभी बच्चे का अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में सबमिट रिजल्ट पर साथियों टच कर देंगे। तो देखिए सबमिट रिजल्ट पर टच करने के बाद देखिए यहाँ पर रिजल्ट देगा, देखिए देने दिया स्टूडेंट 1, यह विद्यार्थी निपुण है। तो यहाँ पे कक्षा 1 का अभ्यास पूरा हो गया साथियों। अब हम गो होम पे आ जाते हैं। अब उसके बाद फिर वही प्रोसीजर करना है, निपुण अभ्यास हमें दोबारा। तो चलिए साथियों करते हैं इस पर। अब हम कक्षा 2 के लिए करेंगे। तो चलिए अब हम कक्षा 2 पे टच कर देते हैं साथियों। देखिए इसको हम टच कर रहे हैं, देखिए ब्लू कलर का हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए अब इसका दिखा रहा है निपुण लक्ष्य क्या क्या है। अनुच्छेद के 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। दूसरा है अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्न सही हल कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा दिया है थर्ड वाला जोड़, ये गणित का है, योग 99 तक एवं घटाव 2 अंकी के 75% प्रश्न सही हल कर लेते हैं। तो चलिए साथियों हम कक्षा 2 का निपुण अभ्यास करते हैं स्टूडेंट का। देखिए आ गया, शुरू करो। छात्रों के लिए निर्देश, अब आपको कुछ शब्द या कहानियाँ दिखाई जाएंगी, अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें पढ़ने का प्रयास करें। चलिए शुरू करो, शुरू करते हैं साथियों। चलो पढ़ते हैं, यही मेन चीज है साथियों। कक्षा 2 हिंदी पुस्तिका 9, छात्रों को फ्रीक्वेंसी में पढ़ना है। लगा बंदल बोरा, अरे यह क्या, आसमान नीचे और ज़मीन ऊपर, बादलों के नीचे देखकर बंदर को बहुत मज़ा आया। अब चलिए बंदर कहाँ चढ़ा, इसका उत्तर क्या था, मकान की छत पर।
छत पर क्या मिला बंदर को? तो बंदर को एक चश्मा मिला। बंदर को उल्टा क्यों दिखने लगा? क्योंकि चश्मा पहन कर सब उल्टा दिखने लगा। बंदर को मज़ा क्यों आया? बादलों को नीचे देखकर। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हिंदी का था, अब आएगा मैथ का सेक्शन। देखिए प्रश्नपत्र डाउनलोड हो रहा है, तो देखिए साथियों, ये जोड़ घटाव के प्रश्न है। इस प्रश्न को बच्चों को कॉपी पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखकर और छात्रों से उसको जोड़ने और घटाने के लिए कहें। तो चलिए देख लीजिए, पहला का उत्तर 73 प्लस 42 कितना होगा? आपको पता है, बच्चों को पता होगा, बच्चे जोड़ेंगे तो सही उत्तर या गलत उत्तर जो भी लाएंगे उसके अनुसार लगाना है। ठीक है साथियों, ऐसे ही आपको सब करना है। साथियों आप देखते रहिए। अब आगे पढ़ना है साथियों। देखिए अगर साथियों, ये तो एक बच्चे का हो गया, ऐसे अगर आपको कक्षा दो के और भी बच्चों का निपुण अभ्यास कराना है तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास, इस ऑप्शन को आप टाइप करेंगे, प्रेस करके आगे जाएंगे और बारी बारी सभी बच्चों का कराएंगे, उसके बाद लास्ट में सबमिट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए अब हम सबमिट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं साथियों। देखिए दे दिया, यह विद्यार्थी निपुण नहीं है, मतलब विद्यार्थी निपुण नहीं हो पाया, उसमें कुछ कमियां है। अब उस हम कमियों को पूरा करेंगे और रेमेडियल क्लास चलाएंगे साथियों। चलिए अब हम आगे चलते हैं, गो होम पे। फिर हम निपुण अभ्यास ही करेंगे। अब कक्षा तीन का हमें करना है साथियों, वैसे ही कक्षा तीन पे हम टच करेंगे। देखिए ब्लू कलर हो गया, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ देखिए निपुण लक्ष्य है, 2 से 10 तक की संख्याओं से गुणा भाग, गुणनफल 100 तक के 75% प्रश्न सही हर कर लेते हैं, अनुच्छेद के साथ 100 प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्न सही हल कर लेते हैं। जोड़ योग 9999 तक एवं घटाव 3 अंकी के 75% प्रश्न सही हल कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए मैथ सेक्शन आ गया, ये देख लीजिए, इसको कागज़ या कॉपी पर लिख के या ब्लैक बोर्ड पर लिख के ही बच्चों से सॉल्व कराएंगे। अब कक्षा तीन में साथियों घोड़ा आ जाता है, आपको पता है कि 1 और 2 में प्लस माइनस रहता है। चलिए पहला का सही उत्तर ये हो जाएगा, 9×6=54 हो जाएगा साथियों, बच्चे से कराए। जो बच्चा बच्चा जैसे उत्तर दे उसको ऐसे उत्तर दे करने दे साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हिंदी सेक्शन आएगा। देखिए दिया है कि अब आपको कुछ शब्द या कहानियाँ दिखाई जाएगी, अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें पढ़ने का प्रयास करें। चलिए साथियों अब हिंदी सेक्शन को शुरू करते हैं।
दुकानदार था रामलाल था साथी, बच्चे खुद बताएंगे, जैसा बच्चे बताए वैसा ही काम करे आप। होशियार लड़की का नाम क्या था? नीता था। बैठक में बढ़िया योजना किसने बनाई? नीता ने बनाई। और हाँ साथियों, एक बात ये है, जो पैरा ये आ रहा है, इस पैरे को आप स्क्रीन शॉट लेकर इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और बच्चों को इस पैरा को या इस कहानी को पढ़ने का अभ्यास बार बार कराए, उसको बार बार लिखवाए, तो आपको निपुण अभ्यास निपुण लक्ष्य ऐप पर अभ्यास करने में बहुत ही सुविधा मिलेगा और आपके बच्चे निपुण बन जाएंगे। क्योंकि बच्चे तो किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ये नया कहानी आता है तो बच्चे को पढ़ने में नए शब्द देख के हिचकिचाने लगते हैं, इसीलिए बच्चे निपुण नहीं हो पा रहे। क्योंकि हिंदी में फ्रिक्वेंसी फ्लुएंसी चाहिए, आपका तत्मरता टूटना नहीं चाहिए साथियों। तो चलिए साथियों, अब हम आगे चलते हैं, अब आगे बढ़े, देखिए हो रहा है, अब आ गया मैथ, वो तो गुड़ा का सेक्शन था, मैथ आ गया। देखिए साथियों, इसको कॉपी पेन या ब्लैक बोर्ड पर लिखवा के बच्चों से करवाएंगे मैथ को, ये गणित है और घटाना होगा। गुड़ा सेक्शन तो पहले हो गया, बच्चे जो उत्तर दे उसी उत्तर को लगाते चले साथियों, ऐसे ही आप सबको लगाते चलेंगे बारी बारी। चलिए साथियों, अब हम आगे चलते हैं, अब ऐसे ही कक्षा तीन के जो भी बच्चे हैं उनका बारी बारी से सबका निपुण अभ्यास कराते चले। लिखा है अब अगले विद्यार्थी का टेस्ट करें, तो इस वाले ऑप्शन को अगले विद्यार्थी का अभ्यास वाले को करके बारी बारी सभी बच्चे का कराएंगे और लास्ट में ये जो है सबमिट रिजल्ट पे क्लिक कर देंगे साथियों। तो चलिए इस पर हम कर देते हैं। देखिए यह विद्यार्थी निपुण नहीं है, क्योंकि पहले दिखा रहा था कि तीन 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 सही था, लास्ट वाले में नहीं था। ऐसे ही साथियों, हम बारी बारी सभी विद्यार्थियों का निपुण अभ्यास करा सकते हैं। साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद साथियों।